नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। दीपावली साल में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। इस पर्व को दीपोत्सव के रूप में अलग अलग धर्म के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह दिन माता लक्ष्मी को खास करके समर्पित होता है। हिंदू धर्म के लोग कई दिनों पहले ही घरों की साफ सफाई और सजावट करके दीपावली वाले दिन शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इसलिए इस पूजा का एक खास नाम भी है, जिसे लक्ष्मी पूजन के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस दिन सिर्फ मां लक्ष्मी की ही नहीं, श्री गणेश, भगवान नारायण और कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि कार्तिक अमावस्या के दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आती है। लक्ष्मी बेहद चंचल होती है, इसलिए उन्हें मनाने के लिए और अपने घर बुलाने के लिए घर को साफ सुथरा रखने के साथ और भी कई बातें शास्त्रों में कही गई है। अगर इन बातों का ख्याल ना रखा जाए तो कहा जाता है कि माता रूठ भी जाती है। ऐसे में आज हम आपको उन बातों के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिनका ख्याल लक्ष्मी पूजन के दिन खास तौर पर रखना चाहिए। सबसे पहले आपको दिवाली वाले दिन करने और नहीं करने से जुड़ी सामान्य बातें बताएंगे। उसके बाद आपको पूजा के विधियों की खास बातें बताएंगे, जो अधिकांश लोगों को नहीं पता होती है। पहला, दीपावली के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। धार्मिक कामों में सुबह में सूर्योदय के बहुत देर तक सोना अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं इस दिन शाम के वक्त भी नहीं सोना चाहिए। इन बातों का ख्याल खासकर स्वस्थ व्यक्तियों को रखना चाहिए। दूसरा, दीपावली के दिन घर की साफ सफाई के साथ ही अपने शरीर की भी साफ सफाई रखनी चाहिए। इस दिन सुबह की दिनचर्या करके नहा धोकर साफ कपड़े पहनना चाहिए और व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। घर के दरवाजे पर आम, अशोक या केले के पत्तों के तोरण को सजाए। तीसरा, इस दिन खाली और जूठे बर्तनों को फैलाकर छोड़कर नहीं रखना चाहिए और शाम के वक्त झाड़ू लगाना भी दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए शाम के वक्त में झाड़ू लगाना सही नहीं माना जाता है। चौथा, घर के उत्तर दिशा में कूड़े कचरे ना रखें। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा वाले स्थान को मां लक्ष्मी और कुबेर देवता का स्थान माना जाता है, इसलिए इस जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए और यहां अच्छी चीजों को रखना चाहिए। पांचवा, इस दिन रात्रि जागरण और घर के दरवाजे को खुले रखने का विधान है, क्योंकि मां लक्ष्मी भ्रमण करती हैं। छठा, दीपावली के दिन किसी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़े, अपशब्द का प्रयोग या फिर घर में किसी तरह का कलेश नहीं रखना चाहिए। लड़ाई झगड़े से बरकत नहीं होती है। इस दिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए और गृह लक्ष्मी यानी कि घर की औरतों का सम्मान करना चाहिए। सातवा, दीपावली के दिन नशा, जुआ इन सब से कोसों दूर रहना चाहिए। जो भी इस दिन नशा करते हैं वे हमेशा दरिद्र बने रहते हैं। नशा और जुआ दरिद्रता का द्योतक है। ये तो थी सामान्य बातें। अब हम आपको दीपावली वाले दिन पूजा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं, जिससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। ये बातें अधिकांश लोग नहीं जानते होंगे। आप में से कई लोगों ने माता लक्ष्मी की दो तरह की तस्वीरों या मूर्तियों को देखा होगा, एक कमल पर खड़ी मुद्रा वाली और दूसरी कमल पर बैठे मुद्रा वाली छवि। इन दोनों ही तस्वीरों के अलग अलग मायने होते हैं। बैठी लक्ष्मी को स्थिर लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है, वहीं खड़ी लक्ष्मी को चल लक्ष्मी कहा गया है। लक्ष्मी पूजन के दिन अगर घर या तिजोरी की पूजा कर रहे हैं तो स्थिर लक्ष्मी की तस्वीर की पूजा करनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि आपके घर अथवा तिजोरी में हमेशा लक्ष्मी का वास स्थिरता से बना रहे। वहीं व्यापार वाले स्थान पर चल लक्ष्मी की पूजा होती है, ताकि लक्ष्मी चल कर बाहर के धन को लाकर आपके व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की देगी। इस दिन दरवाजे पर शुभ लाभ लिखना चाहिए। हालांकि घरों में सबसे पहले शुभ और फिर लाभ लिखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घरों में सब दिन शुभ शुभ बना रहता है। वहीं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पहले लाभ और फिर शुभ लिखा जाना चाहिए, जिससे आपके व्यापार में हमेशा लाभ होता रहे। घर में लक्ष्मी पूजन के वक्त चांदी का सिक्का जरूर रखें। वहीं दुकानों में लक्ष्मी पूजन के वक्त खुले सिक्के रखना चाहिए और पूजा के बाद उसे गल्ले में रख देना चाहिए। बताते चले कि लक्ष्मी पूजन के दिन बिना गणेश भगवान के मां लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है, इसलिए माता लक्ष्मी और गणेश दोनों की साथ साथ पूजा की जानी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि भगवान नारायण यानी कि विष्णु के बिना माता लक्ष्मी अधूरी मानी जाती है, इसलिए लक्ष्मी नारायण को भी पूजा स्थल पर पूजनी चाहिए। आपको यह भी बता दें कि दीपावली के दिन पूजा शुभ मुहूर्त पर ही करें, जिससे भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।